उज्जैन की, जहां पर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश शुरू हो चुका है। तो 21 माह बाद बाबा महाकाल के दर्शन अब श्रद्धालु कर सकेंगे। आपको बता दें, खास बात यह है कि पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना जरूरी होगा। इस दौरान कोविड गाइडलाइन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। तो उज्जैन से ये खास खबर। बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार खुल गए हैं और अब प्रवेश शुरू हो गया है। तो पूरे 21 माह बाद बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे भक्त। और क्योंकि नया वेरिएंट आने की भी खबर है, इसी के चलते कोविड गाइडलाइन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा पुरुषों की अगर बात करें तो उन्हें धोती पहनना जरूरी है और महिलाओं के लिए साड़ी अनिवार्य है। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी जुड़ गए हैं उज्जैन से। उनसे हम बात करते हैं, कैसा नजारा है वहां पर। संतोष, हमें एक नजारा भी दिखाइएगा, श्रद्धालुओं से बात करवाइए हमारी, उनको कैसा लग रहा है किस माह बाद आने पर यहाँ पर मंदिर में, तमाम हमें नजारा दिखाइए वहां का। बिल्कुल, शायद बताना चाहिए, ईश्वर प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के लाखों करोड़ों भक्त हैं जो देश विदेश से बाबा महाकाल के नजदीक से जाकर जल अर्पित कर बेलपत्र चढ़ाकर बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। 21 माह के बाद आज ऐसा वापस संयोग आया है कि कोरोना की पाबंदियां समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए बाबा के दरबार के गर्भगृह आज से खोले गए और श्रद्धालुओं के चेहरों पर आप उत्साह देख सकते हैं। बाबा के प्रति जो पूरा जो परिसर है वो जय जयकारों से जो गूंज उठा है, और बाबा महाकाल के जो भक्त है वो देश के हर कोने से आया और हर कोने से आकर बाबा महाकाल को जल अर्पित करना चाहते हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने यह गाइडलाइन जारी कर दी है, जो भी गर्भगृह में जाएगा वो धोती, पुरुषों के लिए धोती है और महिलाओं के लिए साड़ी पहनकर ही अनिवार्य है कि बाबा महाकाल के दर्शन करने जा सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये है बाबा महाकाल के भक्त जो सुबह से ही लाइनों में लगकर बाबा के दर्शन करने आया था, मिनी से चर्चा करते हैं। आप बाबा महाकाल के भक्त हैं, आज दर्शन करने आए, कैसा अनुभूति हुआ? जय श्री महाकाल। बहुत अच्छा लग रहा है, आज बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त हुए हैं और ये हम तो अपने आप को बहुत आज भाग्यशाली मान रहे हैं कि बाबा पे जल अर्पित करने का हमने भी और हजारों लोगों ने किया और मंदिर की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आप भी जितने लोग चैनल को देखते हैं, शुभकामना इस चैनल को जो सुबह सुबह यहाँ पहुँचा है, और आप भी सभी भक्त जितने भी बाबा महाकाल के भोलेनाथ के भक्त आइए दर्शन कीजिए। हम भी हरियाणा और दिल्ली से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर का बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छे प्यारे लोग हैं और बहुत ही अच्छा वातावरण है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल के साथ इन्होंने दर्शन भी किए, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत खुले दर्शन हुए, बहुत आनंद आया। बिल्कुल, बहुत आनंद आया क्योंकि बाबा महाकाल की झलक ही एक सी है कि हर इंसान को ताड़ देती है, क्योंकि बाबा महाकाल कालों के काल है, राजाधिराज है। तो जो भी बाबा महाकाल के दरबार में आता है वो मनोकामनाएं लेकर आता है, वो बाबा भी उसकी मनोकामनाएं हर पूरी करते हैं। वो आप हम और भी श्रद्धालुओं से बात कराते हैं, आप भी दर्शन करने आए, कैसी अनुभूति और क्या मनोकामना है? ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में है। दो बरस से ऐसा लगा था कि कोई ऐसा, मतलब हम थे ही नहीं, और ऐसा लग रहा है कि नया जीवन मिल गया बाबा के दरबार। बिल्कुल, इनको तो ऐसा लग रहा है नया जीवन दे दिया हो बाबा ने, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना हमने झेला है, जिस प्रकार कोरोना के कारण शहर में मृत्यु हुई है, तो कहीं ना कहीं बाबा की ही भक्त हैं जो आज सही सलामत है और बाबा की एक झलक पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, और भी श्रद्धालु हम इनसे भी बात करते हैं, आपने भी दर्शन किए क्या? दर्शन किए सर, बहुत अच्छा लगा। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, भागवत प्रसाद यादव, जिला दुर्ग से। तो मेरा बहुत दिनों से इच्छा थी सर, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत भक्त हैं बाबा के भक्त हैं, और ये भी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी भी बाबा महाकाल के दरबार में आई है, चंदन का टीका लगाए हुए बाबा के भक्त हैं। आप दर्शन किए क्या, मनोकामना लेकर आए थे? बहुत 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 दर्शन करा, बहुत दर्शन के लिए। ये खुशी है कि बाबा महाकाल के दरबार में जो भी आता है वो अपनी झोलियां भर के ले जाता है, और श्रद्धालु भी हैं जो बाबा महाकाल के प्रति आते हैं, कोई दुपट्टा बाबा महाकाल का लहराता है, कोई पहन के आता है, और ये भी भक्त हैं। क्या कहना चाहेंगे आपके दर्शन हुए? अरे बहुत बढ़िया दर्शन हुए, न्यू मान लो कि बिल्कुल जन्नत नसीब हुई है हमें। पहली बार हम जब भी मतलब लाइफ में मेरे पहली बार आया हम यहाँ पर, और पहली बार ही हमें बाबा महाकाल के दर्शन करने को मिले। बिल्कुल, ये पहली बार आया हो, बाबा महाकाल ने इनको दर्शन दिए। आप महिलाएं भी हमारे साथ, बाबा महाकाल को आपने जल अर्पित किया, क्या मनोकामना थी, किस प्रकार आपके दर्शन हुए? दर्शन तो अच्छे हो गए, लेकिन जैसे चाहते थे कि अंदर जाने मिला नहीं मिल पाया,
हम लोगों को, लेकिन बाहर से दर्शन कर लिए भोलेनाथ का आशीर्वाद। अंदर जाने का समय जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है, जब जब आरती का समय होता है तब प्रवेश जरूर बंद किए जाते हैं, क्योंकि बाबा महाकाल को भोग भी लगता है, आरतियां भी होती है, आरती के समय श्रद्धालुओं का प्रवेश जरूर निषेध रहता है, लेकिन निरंतर आज जो भी श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में आया है, महाकाल की नगरी में आया है, वो परंपरा अनुसार जिला प्रशासन ने जो भी गाइडलाइंस जारी की है उसके अनुसार ही श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश दिया जा रहा है। गर्भगृह में हालांकि सकड़ा रहता है, लेकिन जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं जुटाई है। जो भी पुरुष आएगा वो सबसे पहले बाबा महाकाल के धोती पहनकर ही अंदर जाएगा, जल अर्पित करेगा, स्पर्श करेगा, नजदीक से जाकर बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं, क्योंकि कालों के काल है। दो वर्ष के बाद आज ऐसा सहयोग मिला है कि आज के दिन जिला प्रशासन सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में प्रवेश चालू किए थे, इसी तारतम्य आज सुबह से ही ये सिलसिला जारी है। जी शायदा जी संतोष, आपका धन्यवाद हमारी वहाँ श्रद्धालुओं से बात कराने के लिए, वहाँ का नज़ारा दिखाने के लिए। तो और जैसा कि हम बता रहे हैं, पूरे 21 माह बाद बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्त तो उमड़ पड़े हैं, लेकिन गर्भगृह में अगर प्रवेश आप चाहते हैं तो हम आपको साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि प्रवेश अगर लेना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तीन तरह की जो रसीद है वो कटेगी, 1500 रुपये की रसीद पर 2 श्रद्धालुओं की एंट्री होगी, और लघु रुद्र की रसीद पर 3 श्रद्धालु होंगे, महारुद्र की रसीद पर 5 श्रद्धालु होंगे। महाकालेश्वर भगवान का सिर्फ जलाभिषेक ही कर सकेंगे और जलाभिषेक के लिए अलग से 1000 रुपये की रसीद कटानी होगी।